हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास टेंथ का हिस्ट्री बुक है और पार्ट वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ आपके लिए लेकर के आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। पार्ट वन का है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा वन है ये, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ज्यूसेपी मेत्सिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, एंड्रियास सेरेबान, मॉन्टेस्क्यू। तो आप बताइए ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और भी क्वेश्चन किया जाता है तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं, वहाँ इसके बारे में देख सकते हैं। अगर इसको देख लेंगे तो वहाँ आपको इसके इसके बारे में कोई क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं है। इसकी पूरी हम इतिहास बता रखे हैं, ठीक है? तो आप इसको एक बार जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा टू, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? ऑप्शन है 1804, 1815, 1813, 1805। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना था फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? ऑप्शन है फ्रेडरिक सॉरियू, विलियम्स प्रथम, सी है ज्यूसेपी मेत्सिनी और डी है नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ ऑप्शन में होगा सी, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा सी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर फोर है, नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में हार हुई कब? फिर से क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में हार हुई कब हुई थी हार? ऑप्शन नंबर ए है 21 अक्टूबर 1805, ऑप्शन बी है 1813, ऑप्शन सी है 18 जून 1815 और डी है 1821। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 18 जून 1815। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, मतलब नेपोलियन किस नाम से जाना जाता था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा लिटिल कॉर्पोरल। इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं लिटिल, दिख रहा है ना आपको दोस्तों, लिटिल कॉर्पोरल, लिटिल कॉर्पोरल। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ज्यूसेपी मेत्सिनी कौन था? इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, ज्यूसेपी मेत्सिनी, इसको आप देखिएगा, इसके बारे में पूरा लिख बताए हैं। ये क्लास टेंथ के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आप इसको ज़रूर एक बार देखिए। इस देखने के बाद फिर आपका, हमें नहीं लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा, ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन में। तो हमारा क्वेश्चन था ज्यूसेपी मेत्सिनी कौन था? ऑप्शन ए है चित्रकार, सेनानायक, इटली का एक महान क्रांतिकारी और डी सभी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इटली का एक महान क्रांतिकारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा, ज्यूसेपी मेत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था? ज्यूसेपी मेत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आप देख करके बताइए, ऑप्शन नंबर ए है अजासियो, बी है फ्रांस, सी है रूस और डी है जेनेवा, ठीक है। तो बताइए कहाँ पर हुआ था, तो ज्यूसेपी मेत्सिनी का जन्म हुआ था जेनेवा में, ठीक है। ये कहाँ है जेनेवा, ये इटली में, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर एट है, यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? यंग इटली की स्थापना, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछता है, यंग इटली की स्थापना कब हुआ था, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ये आप एक बार जब ज्यूसेपी मेत्सिनी का वीडियो देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन है 1800 ईस्वी, बी है 1818, सी है 1830 और डी है 1820। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 1830, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन है, जर्मन पंचांग को कब बनाया? जर्मन पंचांग को
कब बनाया, ठीक है। ऑप्शन है 1804 ईस्वी, 1798 और 1789 ईस्वी और 1815 ईस्वी। बताइए इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, 1798 ईस्वी। ठीक है, जर्मन पंचांग वो बनाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि जर्मन पंचांग को किसने बनाया था, ठीक है। तो इस पर भी हम वीडियो बनाए, उसको आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, खैर आपको हम बता दे रहे हैं कि जर्मन पंचांग को किसने बनाया था, ठीक है। तो एंड्रियास रेमान ने बनाया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए है मेटरनिक, एंड्रियास रेमान, नेपोलियन बोनापार्ट और डी है जुसेपी मैसिनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी एंड्रियास रेमान, और यही जर्मन पंचांग को बनाया था 1798 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, दी स्पिरिट ऑफ लॉ, दी स्पिरिट ऑफ लॉ आत्मा का कानून नामक पुस्तक किसने लिखा, इस पुस्तक के लेखक बताना है कौन है। देखिए ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, बी है एंड्रियास रेमान, सी है ड्यूक मैट्रिनिक, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए मॉन्टेस्क्यू। इस पर भी हम बनाए हैं, आप जरूर एक बार देखिए, ठीक है। आज देखने के बाद आपको इस पे कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं रहेगा, इससे आपका 10th का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे छूटेगा नहीं मॉन्टेस्क्यू देखने के बाद, क्योंकि ये लोग जो खास खास लोग हैं हम उनका वीडियो बना दिए हैं, आप जरूर इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो वियना सम्मेलन हम बता दें 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका ऑप्शन देख रहे हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो इसका देखते हैं ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, एंड्रियास, ड्यूक मैट्रिनिक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ड्यूक मैटरनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बोल रहा है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये फेमस कथन है, आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए है मॉन्टेस्क्यू, एंड्रियास, ड्यूक मैटरनिक, डी नेपोलियन। तो बताइए किसका है। सी ऑप्शन सही पकड़े आप, ड्यूक मैटरनिक का, और यही वियना सम्मेलन के मेजबान भी किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जर्मेनिया खाली जगह वृक्ष के किस पत्तों का मुकुट पहनती थी, ठीक है। जर्मेनिया वृक्ष के किस पत्तों का मुकुट पहनती है, इसका ऑप्शन बता सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बलूत, इसका आंसर है बलूत। बलूत, बलूत को वहाँ पर वीरता का प्रतीक माना जाता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलूत। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है जर्मेनिया के एकीकरण के लिए अपनाई गई नीति रक्त और लौह, यही नीति है इसको ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा अपनाई गई थी। बता सकते हैं ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी है नेपोलियन, सी है मॉन्टेस्क्यू और डी है सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही बिस्मार्क, ठीक है। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप इसको जाकर के वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सामाजिक समझौता ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एंड्रियास रेमान, बी है मॉन्टेस्क्यू, सी है बिस्मार्क और डी है रूसो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, रूसो। इस पर भी हम वीडियो बनाए हैं, आप उसको जरूर से जरूर एक बार देखिए। हमें नहीं लगता है कि देखने के बाद आपका 10th का कोई क्वेश्चन छूटेगा। 17 क्वेश्चन नंबर है, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है विलियम्स प्रथम, सी है रूसो, डी है कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, विलियम्स प्रथम, ठीक है। विलियम प्रथम भी पर भी बना है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह कौन सा देश है जो फेडरिक सरयू के 4 देशों के चित्र में शामिल नहीं है। इस पर भी हम क्वेश्चन बनाए हैं, आप इसको एक बार देखिए और इसका आपको जरूर फायदा होगा।
तो इसमें सिर्फ चार देशों का ही नाम पूछा जा रहा है, बाकी और भी देश हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन कौन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, डी है फ्रांस। तो देखिए चार देशों में हमारा ये भी आता है, जर्मनी भी, ऑस्ट्रिया भी, हंगरी भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही, क्योंकि ये फ्रांस नहीं आता है, ठीक है, इसमें नहीं है, और भी देश हैं लेकिन फ्रांस इसमें नहीं है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, 19वीं सदी के मध्य में इटली बटा हुआ था, मतलब इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। ऑप्शन ए है 5 राज्यों, 4 राज्यों, 7 राज्यों, और डी है 8 राज्यों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी सही, 7 राज्यों। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20, यूनान कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। फिर से सुन लीजिए, यूनान कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। ऑप्शन ए 1815, 1830, 1821 या 1832। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा, 1832। हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि ये यूनान स्वतंत्र हुआ था किस संधि के साथ, ये स्वतंत्र हुआ था, एक संधि हुआ था जो कि 1832 में हुआ था, उसी संधि के साथ ये यूनान राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।